बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको सबसे अफजल आमाल ला इलाहा इल्लल्लाह और सबसे बेहतरीन दुआ इस्तगफार के बारे में बताऊंगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफजल आमाल ला इलाहा इल्लल्लाह व अफजल दुआ अल इस्तगफार। सबसे फजीलत वाला अमल ला इलाहा इल्लल्लाह है और सबसे बेहतरीन दुआ इस्तगफार है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारक के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में अल्लाह ताला की तौहीद के इकरार को सबसे ज़्यादा फजीलत वाला अमल करार दिया गया है, जबकि दूसरे हिस्से में इस्तगफार यानी अल्लाह ताला के हजूर अपनी गलतियों और गुनाहों की माफ़ी तलब करने को सबसे फजीलत वाली दुआ करार दिया गया है। हदीस के पहले हिस्से में इरशाद है, अफजल आमाल ला इलाहा इल्लल्लाह यानी अल्लाह के सिवा किसी दूसरे को इलाह मानना का इकरार और इस अमल से इस अकीदे का इजहार सबसे ज़्यादा फजीलत वाला अमल है। ला इलाहा इल्लल्लाह में लफ्ज़ इलाहा से मुराद ऐसी ज़ात है जिसकी इबादत की जाए, जिसको एक माना जाए और उस जिससे बेपनाह मोहब्बत और अकीदत हो, जिसने हमें पैदा किया, हमें अक्ल और बसीरत अता की, हमें ज़िंदगी दी और हत्ता के ज़िंदगी की तमाम नेमतें अता की, उससे हमें चाहिए कि और वो अल्लाह ही की ज़ात है जिससे हमें बेपनाह मोहब्बत करनी चाहिए। हदीस के दूसरे हिस्से में इरशाद है, अफजल दुआ अल इस्तगफार यानी बेहतरीन दुआ अल्लाह ताला से अपने गुनाहों और नाफरमानियों की माफ़ी मांगना है। इंसान बाज़ औक़ात दुनिया की ज़ाहरी रंगीनियों में खोकर अपने खालिक व मालिक की रज़ा के ख़िलाफ़ किसी गुनाह या गुनाह का इर्तिकाब कर बैठता है, लिहाजा अल्लाह को इलाह मानने का तकाजा ये है कि इंसान अपनी गलती और गुनाहों पर नादिम होकर शर्मिंदा होकर अल्लाह ताला से माफ़ी मांग ले, क्योंकि उखरवी निजात उस वक्त मुमकिन नहीं है कि जब तक अल्लाह ताला हमारी गलती और गुनाहों को माफ़ कर दे। अब अगर अल्लाह ताला की निगाह में कोई पसंदीदा और महबूब बनना चाहता है तो उसे चाहिए कि चलते फिरते उठते बैठते दिलो जान से इस्तगफार और ला इलाहा का इजहार करता रहे। शुक्रिया।